हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। 200 ग्राम मैंने ये पनीर ले लिए, पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब हम पनीर की भुर्जी का तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने गैस पे फ्राई पैन रख दिए और गैस को बंद कर लिया। चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। घी को भिगो लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे एक चम्मच। जीरा हमारा तड़क चुका है, इसमें हम कटा हुआ एक प्याज ऐड कर लेंगे। हमें इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है, हमें गोल्डन फ्राई नहीं है इसको करना। थोड़ा सा इसका कच्चापन जो निकल जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे दो कटी हुई हरी मिर्ची और एक मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर को भी हमें पकने तक गलने तक हम पका लेंगे इसको। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इसमें टेस्ट के थोड़े हम नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। मुझे एक से दो मिनट के लिए इसे पका लेंगे। टमाटर हमारा हो चुका पक चुका, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कलर वाली रेड चिली, मेथी, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पनीर उसके वो पनीर ऐड कर लेंगे, उसको भी मिक्स करेंगे। देखिए हमारी पनीर की भुर्जी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी पनीर की भुर्जी? कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।